भारतीय सेना परंपरागत रूप से अपनी वीर नारियों, वीर माता और पूर्व सैनिकों से जुड़ी रही है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का सम्मान हमेशा भारतीय सेना के लोकाचार और संस्कृति का हिस्सा रहा है। अंतर्निहित मूल्य प्रणाली की निरंतरता में भारतीय सेना ने मुगल मैदान में वीर नारियों और विधवाओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मूल्यवान समुदाय की चिंताओं को समग्र रूप से देखभाल और करुणा के साथ संबोधित किया गया था। कार्यक्रम में विंग कमांडर गिरीश कुमार, अक्षय गिरीश, मेमोरियल ट्रस्ट चलाने वाली श्रीमती मेघना गिरीश और समाज से श्री विकास मनखासा उपस्थित थे। श्रीमती मेघना गिरीश ने पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और मूल्यवान समुदाय के अन्य अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और सभी उपस्थित लोगों को आगे आने और वीर नारियों की समस्याओं का समाधान प्रदान करने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने वीर नारियों, वीर माता और विधवाओं को उनकी सम्मानित उपस्थिति के लिए सम्मानित किया। और विंग कमांडर साहब और विशाल मन्हास जी, मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये इतने दूर से आए और हमारे एक्सरसन और वीर नारी से मिले, इनका हौसला बढ़ाया और साथ साथ में अलेवन आर का सीओ साहब का शुक्रगुजार करता हूँ कि इतना मतलब पूरा बंदोबस्त किया और इतने लोग लाए, मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नए नारायण की सीओ की तरफ से जो भी प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम अपने सीओ साहब को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे खुसूसी मेहमान साहब, मैडम साहब और विंग कमांडर साहब और उनके साथ एक साहब हो रहे हैं, इनका हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको जोर तालियों के साथ उनकी स्वागत की जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के लिए भी इसी तरह हमको याद करते रहेंगे। और हमें ये बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो आज यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रखा हुआ हमारे सीओ एलेवन आरआर की इस मौजूदगी में, तो ये हमें बड़ी खुशी होती है कि ये जो है इस तरीके से हमें एक्शन मैनों को और विद्या नारियों को याद करते हैं और उनको समाज करते हैं। उनके लिए उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आदिक समाचारों के हिसाब से उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे को इसी तरह फिर भी कभी न कभी एक सर्विस मैनों को इसी तरीके से याद करते रहेंगे। और सबसे पहले हम हमारे एलेवन आरआर के सीओ साहब को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। जब से इन्होंने यहाँ पे ये अपनी कमान संभाली है और उन्होंने एक सर्विस मैनों के लिए बहुत कुछ किया है और ये पूरे एक सर्विस की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन भारत के लिए सौरभ की रिपोर्ट। चार चार आर आर सी ओ बी फानू ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पिंजौरा में एक एस क्यू ए वाई मार्शल आर्ट का आयोजन किया। इसके मार्शल आर्ट के महत्व को फैलाने के लिए शोपिया के विभिन्न क्षेत्रों के 100 खिलाड़ियों ने स्काई मार्शल आर्ट कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर लड़कों और लड़कियों के लिए विभिन्न आयु वर्गों के लिए कई खेल कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने कहा कि इसके मार्शल आर्ट आत्मरक्षा का खेल है और यह खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है। आयोजन का उद्देश्य छात्रों को खेल के महत्व के प्रति प्रेरित करना और छात्रों के दैनिक जीवन में खेल के महत्व को उजागर करना था। इस कार्यक्रम में पिंजौरा सरकार के कई बच्चों और स्थानीय छात्रों ने भाग लिया। उच्च विद्यालय इस अवसर पर कंपनी कमांडर 44RR COB फानू ने खिलाड़ियों को हार्दिक धन्यवाद दिया और छात्रों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें उनके समग्र विकास के लिए सभी स्तरों पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि 44RR का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के खेलों में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करना है ताकि युवा खेलों का आनंद उठा सके और खुद को खेलों में शामिल कर सके और अवैध गतिविधियों में शामिल ना हो। मतलब ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि शरीयत का जो निचोड़ है वो सूफी जो ये जलसा है ये एक संगमीर की हैसियत रखेगा। इस टावन में शुपियन जो ज़िला है एक संगमीर की हैसियत रखेगा और हमें उम्मीद है कि इसके साथ यहाँ के उलमा, यहाँ का लिखा पढ़ा तबका जोक दर जोक वापस तो हो जाए। सूफीज़्म में एक उन्होंने एक छाप छोड़ी हुई है हमारे बुजुर्ग, अगर हम उस बाप को
अपनाएंगे तो हमारे अंदर में भी सुकून आ जाएगा और बाहर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। यह है सूफीज्म का असली पैगाम, इंसान दोस्ती, खुदा परस्ती, इंसान दोस्ती, यह सूफीज्म का असली पैगाम। हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जो 44 आरआर ने किया, तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जो स्क्वाय मार्शल आर्ट है, हम इस आर्ट को बढ़ाए क्योंकि ये ट्रेडिशनल गेम है कश्मीर की, तो इन्हें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने डिफरेंट यहाँ पर जो शोज़ है वो दिखाए इनको, हमको बहुत मज़ा आया है, इसलिए हम आर्मी वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं अपने माँ बाप को बोलूँगा मुझे भी इसमें ज्वाइन करना है। ऑनलाइन भारत के लिए मीर सज्जादी की रिपोर्ट। सेना की 15वीं गढ़वाल राइफल्स में शोपियां जिले के गुज्जर और बकरवाल के लिए घुड़सवारी, चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर सहित मेगा इवेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल महासचिव गुज्जर बकरवाल सम्मेलन जम्मू कश्मीर और 15वीं गढ़वाल राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष के CO इस अवसर पर मुख्य अतिथि बने रहे। एक सार्वजनिक प्रेमपूर्ण इशारे में अपने प्रयासों में 15वीं खरवाल्स राइफल्स ने शोपियां के एक विशाल और शानदार दूर दराज और वन क्षेत्रों का आयोजन किया और संख्या में गुज्जर बकरवाल स्थानीय लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया और सेना ने घुड़सवारी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की। लोगों और पशुओं की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के डोबिजान इलाके में चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया। शिविर के दौरान गरीबों और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल और दवाएं प्रदान की गयी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाहर आए। शिविर में गुज्जर व बकरवाल समेत सैकड़ों मरीज शामिल हुए। लगभग सैकड़ों मवेशी और भेड़ें बीमारियों से पीड़ित। शिविर में भाग लेने वाले स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया और सेना की 15वीं गढ़वाल राइफल्स को चल रही महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधाएं तक मुफ्त पहुंचाने का प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। आगे भी लोगों को शिविर से अत्यधिक लाभ हुआ और सेना द्वारा की गई पहल की सराहना की और भविष्य में क्षेत्र में इस क्षेत्र के अच्छे काम को जारी रखने का आशीर्वाद दिया। अंत में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। यहाँ पे एक कैंप का इनकार किया, जहाँ पे हमने कल्चर प्रोग्राम, घोड़ों की रेस, मेडिकल कैंप, वेटरनरी कैंप का इनकार किया और यहाँ पे साथ साथ कल्चर प्रोग्राम जो तरह तरह के हमारी गोजरी जुबान में गाने बैत वगैरह जो उनका भी इनकार किया, ताकि हमारा जो कल्चर है, कल्चर को जिंदा रखने के लिए मकसद है कि ये जो बेसहारा और पिछड़े हुए लोग हैं, मिलजुल के इन सारे लोगों की इनकी खिदमत की जाए, इनके जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनके हल के लिए हम सब मिलके काम करें। आर्मी की भी यहाँ बहुत अच्छी कोशिश, हम तो बड़े खुश हैं यहाँ सब मिलके भाइयों की तरह यहाँ पे जो जिस काम का निकाल किया गया। मैं तो इनको भी इस चीज़ की विदाई देना चाहता हूँ, इनको मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम जो गरीब लोग हैं इनकी यहाँ इन्होंने अपनी सेवा जो है पूरी सेवा और आपकी खिदमत यहाँ पूरी इन्होंने साथ साथ रखी, इनके भी हम शुक्रगुजार। आज जो हमारा ये कैंप हुआ है 15 गढ़वाल वालों का, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्हें फ्री में यहाँ पर कैंप करवाए हैं, मेडिकल या शीप रेजिमेंट्री का कैंप कराया, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी यासीन पसवाल साहब भी हैं, इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस गरीब तबके से ये मिले हैं। इस नाइन भारत के लिए मीर शाहजाद की रिपोर्ट, शोपियां से।